कुमारी मायावती ने कहा है कि भाई हम उनके सहयोग करके गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इसमें नया क्या है? बहन जी तो पहले भी 3 बार बना चुकी हैं। माननीय काशीराम साहब खुद कहते थे कि अगर हमें किसी आदमी को सीढ़ी बनानी पड़े और सीढ़ी बनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना पड़े तो हम करेंगे, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। मगर उनका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो इस देश में अम्बेडकर वाद को फैलाना है, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित करना है, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को फैलाना है, जो बहुजन समाज पार्टी फैलाने का काम कर रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब बहन जी की सरकार बनी 2007 से लेकर 2012 तक, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कितनी चीज़ें हुई, बुद्ध के नाम पर कितनी हुई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखें आप, गौतम बुद्ध नगर देख लें आप जाके, आप बुद्धा सर्किट देख लें आप जाके। तो उन्होंने विचारधारा को फैलाने का काम किया, लड़ाई विचारधारा की है। अगर कोई व्यक्ति, क्या वहाँ पर बीजेपी में हमारे लोग नहीं जाते हैं? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पर है? सारे बीजेपी में थोड़ी हैं, सारे बहुजन पार्टियों में थोड़ी, सब वहीं पर हैं। तो वो जब हमारा सहयोग लेकर अपनी सरकार बना सकते हैं, तो हम उनको सूढ़ी बनाकर क्यों नहीं आगे जा सकते हैं? तो ये समझना पड़ेगा लोगों को, लोगों को समझना चाहिए। जिस तरह से देखा जाता है कि देश में 3% के आसपास ब्राह्मण है, वो सभी पार्टियों में है और वो अपने लोगों का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे लोग आज हमारे लोगों का विरोध करते हैं, वो उस पार्टी में चला के दलाल बन गया या बन गया। अगर हम राजनीतिक एक शब्द है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि राजनीति में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता, समय की डिमांड होती है और समय के आधार पर बदलती है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हर जो राजनीतिक पार्टी होती है उनका एक अपना विचारधारा है, जैसे बीजेपी की अपनी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है। अगर विचारधारा को आप कमजोर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को कहना चाहिए और उस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए। अगर विचारधारा मजबूत है तो पार्टियाँ अपने जीतने के लिए उद्योग कर रही हैं, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्ता में आना बहुत जरूरी है, जब तुम सत्ता में आओगे जब भी तुम अपने जो अधिकार हैं, अपनी विचारधारा, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर सत्ता से बाहर रहोगे तो ना तुम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हो, ना अपने लोगों के अधिकारों को सशक्त कर सकते हो, ना अपने लोगों को सशक्त कर सकते हो। तो सत्ता में आना जरूरी है। अगर बहन कुमारी मायावती जो कह रही हैं वो राजनीतिक एक स्टेटमेंट है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 26 फुट लल्लीपुर रोड भी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या ये और भी चीज़ बनाते हैं, जब बाबा साहब विदेश में रहे थे वहाँ भी बनाते हैं, तो वो तो अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते, वो तो अभी ब्राह्मणवादी हैं। आप बताइए, जब वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लोग सारे शांत रहते हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, तो वो सब कुछ बाबा साहब के नाम पर कर रहे हैं, तो वो तो अम्बेडकरवादी होते नहीं है, उनके लोग तो कभी नहीं कहते तुम अम्बेडकरवादी क्यों हो रहे हो। हमारे लोग अगर राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं तो हमारे लोग गद्दार हो जाते हैं। समझना पड़ेगा लोगों को, राजनीति समझनी पड़ेगी, राजनीति जब समझेंगे लोग तो आए, जब जो चीज़ समझ में ना उस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और जो सामाजिक लोग काम करें वो सामाजिक में परिवर्तन के लिए काम करें, बहन कुमारी मायावती भी काम करें, आप भी काम करें, सब लोग काम करें, जब काम बनेगा, एक दूसरे की टांग खींचने से कोई फायदा नहीं है, टांग मत खींचे। हाँ, जो समाज को नीचे लेकर जा रहा है, जो समाज के साथ में गलत कर रहा है, उसका विरोध करना मुझे। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी जो पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो उस स्टेटमेंटों को किस तरह से? देखो, समाजवादी पार्टी अपनी एक अलग पार्टी है, वो अपना स्टेटमेंट दे रही है, वो भी राजनीति सत्ता में आना चाहती है, सब लोग सत्ता में आना चाहते हैं, मगर बहुजनों को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुजनों के लिए सबसे अच्छी पार्टी मुस्लिमों के सबसे अच्छी पार्टी, दलितों के लिए सबसे अच्छी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती का वो महापुरुषों का आंदोलन, और महापुरुषों के आंदोलन को बचाने के लिए आप लोगों को सत्ता में लाना पड़ेगा बहन कुमारी मायावती 2022 में। अगर तुम बहन कुमारी मायावती को सत्ता में अगर लेकर आए, उत्तर प्रदेश के लेकर आए, तो आप देखना उत्तर प्रदेश की जो दशा है वो चेंज हो जाएगी, आपने जब तक भी देखा होगा। और हमें ये द्वेष बनाना चाहिए, और लोगों के लिए बहुत टाइम है, और लोगों को अभी तो स्थापित होने में टाइम लगेगा। अगर बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी स्थापित पार्टी है, जो बीजेपी से पहले बनी पार्टी है, सपा से पहली बनी पार्टी, पुरानी पार्टी है और नेशनल लेवल की पार्टी है, दलितों की, बहुजनों की, ठीक है ना, और अम्बेडकरवादियों की एक ही नेशनल पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है। नेता आते रहते, बदलते रहते, मगर बहुजन समाज पार्टी जो है वो महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है, उसको बचाए। एक और आरोप हमेशा लगता आ रहा है अभी फिलहाल जो देख रहा हूँ, कि पहले बहुजन सुखाय बहुजन हिताय था, अब सार्वजनिक सुखाय सार्वजनिक हिताय हो गया, इस वजह से बीएसपी कमजोर होती नजर आ रही है, लोगों का आरोप है, इसको किस तरह देखते हो? देखो, अब तुम बीएसपी को कमजोर करने की बात करो, ये आंदोलन जितना भी हो रहा है पूरे देश में नीला नीला आरोप लग रहा है। आरोप लगाना तो लोगों का काम है, जो मीडिया है, जो लोग हैं, वो हमेशा हमारे लोगों में कमी निकालते हैं, अच्छाई तो कभी करते ही है। बहन जी के शासन की कभी अच्छाई तो करेंगे नहीं, मेरी तो कभी अच्छाई करेंगे नहीं कि मैं समाज में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए 50 कमी तो निकाल देंगे। तो जो लोग हैं उनका काम ही है हमारे लोगों का मनोबल तोड़ना, हमारे लोगों के खिलाफ काम करना, तो उनकी बातों पर ना जाया जाए। आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, आज उसकी वजह से देश के अंदर नीला नीला होता है,
गमछा निकाल के चलते हमारे जैसे कुछ करते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के साथ रात दिन एक करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। आज मनुवादी ताकत मूवमेंट को खत्म करना चाहती है, तो इस मूवमेंट को खत्म ना होने दें, नेता आते रहते जाते रहते हैं, आप इस मूवमेंट को बनाए रखें। एक लास्ट सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव को आप किस तरह देखते हैं? देखो उपचुनाव होते रहते हैं, उपचुनाव कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मायावती भी लड़ रही और भी सब लड़ रहे हैं, तो ठीक है उसमें अब देखा जाएगा क्या किसका नहीं लड़ती थी। ठीक है, लड़ना चाहिए उनको, अब ऐसा नहीं कि पहले नहीं लड़ती थी, नाम में उनकी समीकरण होते हैं, कभी कब लड़ना कब नहीं लड़ना वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, कुछ नहीं कर सकते, पार्टी का जो भी डिसीजन होता है पार्टी को आगे ले जाने के लिए सही होता है।